कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में ही लॉकडाउन पार्ट टू चल रहा है, लेकिन भारत सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में सशर्त छूट दी जाएगी, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि राजधानी देहरादून में नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 100 वार्डों में लॉकडाउन की व्यवस्था लागू रहेगी और उसी तरीके से नियमों का पालन किया जाएगा। जो कल से छूट दी जा रही है देहरादून जनपद में, जो नई गाइडलाइन है जिसमें कि कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, वो पूरे नगर निगम क्षेत्र देहरादून पे लागू नहीं होंगे। देहरादून नगर निगम क्षेत्र पे वही रेगुलेशंस रहेंगे जो पिछले जो लॉकडाउन हमारा था जनता कर्फ्यू के बाद से जो कंटिन्यूअस चला आ रहा है वो वैसे ही रहेगा। तो लॉकडाउन के नियमों का पालन करना जरूरी है, लेकिन इन सब के बीच कुछ जगहों पर छूट भी दी जा सकती है, लेकिन जहां पर सकती है, जिन इलाकों को सील किया गया है, वहां पर अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रशासन ने सशर्त छूट की तैयारी कर ली है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक जो नियम हैं, जो शर्तें हैं, उसके हिसाब से कुछ इलाकों में छूट दी जा सकती है, लेकिन वो इलाके जो पूरी तरह से सील किए गए हैं, जहां पर कोरोना के मामले सामने आए हैं, वहां पर अभी कोई छूट नहीं होगी, और जो छूट होगी उनमें भी कई शर्तें होंगी। सुरेंद्र रसीला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र, कहाँ कहाँ और किस किस क्षेत्र में छूट मिल सकती है और क्या शर्तें होंगी, कुछ पता चल पाया है? देखिए अनामिका, जो हॉटस्पॉट हैं, जो सील्ड एरिया हैं, उनमें किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारे सील किए जा चुके हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से पॉजिटिव मामले बड़ी संख्या में मिले हैं, इसलिए इन इलाकों को बंद किया गया है। चाहे हल्द्वानी का बनबुलपुरा इलाका हो, देहरादून में पटेल नगर क्षेत्र हो, डोईवाला क्षेत्र हो, इसके अलावा भगत सिंह कॉलोनी हो, और हरिद्वार जनपद में रुड़की के एक दो गांव ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से सील किया गया है, इसलिए इन क्षेत्रों में किसी तरह की गतिविधि नहीं होंगी, यानी अगर इन क्षेत्रों में कोई फैक्ट्री भी है तो उसका संचालन नहीं होगा। हाँ, इसके बाहर जो इन क्षेत्रों की परिधि से जो बाहर के क्षेत्र होंगे उसमें उद्योग निदेशालय और जिला अधिकारी के परमिशन के बाद फैक्ट्रियां खुल सकती हैं। फैक्ट्रियों का भी प्रकार होगा, अगर उसमें जो लेबर काम करती है वो बाहर है तो बाहर से उनको नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ वही लोग जो फैक्ट्री के क्षेत्र के आसपास रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला हो, इसके अलावा और जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए ये लोग काम शुरू कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई आवाजाही शुरू नहीं होने जा रही है, सिर्फ कामकाज से जुड़ी हुई चीजें शुरू होंगी, जिनमें फैक्ट्रियां हैं, छोटे लघु उद्योग हैं, इन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर केंद्र की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होगा, उसके चलते ही अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके का जो बाजार है, बाजार नियमों के मुताबिक ही खुलेगा, सुबह 7 से 1 बजे की जो गाइडलाइन है उसी के तहत खुलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन करने के बाद उनको बाजार में ये लोग बेच पाएंगे, ये सिर्फ अपनी फैक्ट्रियां चलाएंगे, अपना प्रोडक्शन करेंगे, और उसके अलावा जो केंद्र की नई गाइडलाइन आएगी उसके बाद ही इनको अनुमति दी जाएगी। लेकिन ये साफ है अनामिका कि किसी भी तरह से जो हॉटस्पॉट है उन क्षेत्रों में कोई गतिविधि नहीं हो। सुरेंद्र, केंद्र सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से ये भी एडवाइजरी जारी की गई थी पहले ही कि जो भी उद्योग खुलते हैं उनमें 30% या 50% जो मजदूर हैं, जो लेबर है, वो काम कर सकता है। उत्तराखंड में जो उद्योग खुलेंगे उन पर इसको किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा? देखिए अनामिका, अभी बहुत ज्यादा हैवी इंडस्ट्री खुलने के चांसेस कम लग रहे हैं और उनको अनुमति भी मिलेगी, ये भी कहना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि अधिकतर जो स्टाफ है वो दूसरे क्षेत्रों से आते हैं और ऐसे में उनको अपनी गाड़ियां प्रयोग करनी पड़ेंगी या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा, ऐसी कोई भी अभी इजाजत नहीं दी गई है, तो इसलिए ये उम्मीद नहीं है। सिर्फ वो ही इंडस्ट्री खुलेंगी जिसमें मजदूर या तो उनके क्षेत्र में रहते हैं या उनके आसपास रहते हैं, यानी उनको बाहर से किसी मजदूर को ना बुलाना पड़े और उससे किसी भी तरीके से जो गाइडलाइन है वो कहीं ना कहीं बाधित ना होती हो,
तो इसके इसी तरह के जो रोजगार हैं, जो उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, यही चीजें संचालित हो पाएंगी और इन्हीं के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। सुरेंद्र, बीच में भी ऐसी खबरें आई थी, आपने भी हमें बताया था, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, उस दौरान आपने भी ये बताया था कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सुबह 7 से 1 की जो छूट दी जाती है वहां पर कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, भीड़ बहुत ज्यादा लग जाती है, और कल से कहीं छूट समझ कर बड़ी संख्या में लोग वहाँ नहीं पहुँच जाए, इसको लेकर क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए सभी जिलाधिकारी को पहले से ही ये निर्देश मुख्य सचिव की ओर से दिए गए हैं कि लोगों को साफ कर दिया जाए। जो पुलिस की पेट्रोलिंग है, जो पुलिस जिस तरीके से जगह जगह पर फ्लैग मार्च कर रही है, पुलिस जो पिकेट्स बना के चेकिंग कर रही है, उन चीजों में कोई भी ढिलाई ना बरती जाए। पुलिस शाम के बाद जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद कई जगह पर पुलिस लाउड स्पीकर से भी लोगों को अनाउंस करती है, अगले दिन की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में बताया जाता है। इसलिए किसी भी तरीके से अभी फिलहाल छूट नहीं है, ढिलाई नहीं होने जा रही है, सिर्फ उन्हीं लोगों को छूट मिल सकती है जो एसेंशियल सर्विस में है या जो लोग जो फैक्ट्री क्षेत्र है उसी के परिसर के आसपास रहते हैं, वही लोग अपनी फैक्ट्रियों में जा सकते हैं और उसमें भी नियम फॉलो करने होंगे। इसके साथ ही जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं वहाँ पुलिस के साथ एनसीसी की टीमें भी लगाई गई है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समझाने के लिए, और लोग क्योंकि उत्तराखंड में 3 मई तक मास्क की अनिवार्यता की गई है, इसलिए बिना मास्क के कोई भी सड़कों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और इस पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। नमिता, धन्यवाद सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए।